नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वर्डप्रेस की जो फ्री वाली वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल abc.wordpress.com, उसमें जो गूगल सर्च कंसोल होता है उसको कैसे ऐड करें, उसमें कैसे वेरीफाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे हमारे सामने एक फ्री की वेबसाइट है जिसमें आप पीछे देख सकते हो wordpress.com है। इस वेबसाइट में हम जो गूगल सर्च कंसोल है वो आपको ऐड करके दिखाएंगे। इसका जो टेम्पलेट है, जो डिज़ाइन है, वो आप हमने इस टाइप का एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये इसमें अभी दो पोस्ट हमने पब्लिश किए हैं और ये जो वेबसाइट है वो गूगल में अभी इंडेक्स नहीं हुई है। तो हम आपको साथ के साथ इंडेक्स करके भी दिखाएंगे कि आप वेबसाइट को कैसे, जो पोस्टें हैं उनको कैसे इंडेक्स कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने गूगल के जो सर्च कंसोल है उसमें जाना है। तो हम जैसे अब सर्च कंसोल में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड ए प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। ऐड ए प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे, जहाँ पे अभी माउस लेके गए हैं, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। और URL आप जब पेस्ट करोगे तो आपको जो HTTPS है वो यहाँ पे लगाना होगा। विदाउट HTTPS के ये उसको नहीं उठाएगा। या तो आप मैन्युअली लगा सकते हो या फिर आप जो वेबसाइट आपने क्रिएट किया उसके होम पेज को आप URL को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन, ऑनर वेरिफिकेशन का एक स्टेप आएगा। हमें अपनी वेबसाइट की जो ओनरशिप वेरिफिकेशन है वो करनी है। उसको करने के लिए हमें जो ये साइड में आपको स्क्रॉल बना हुआ है, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें सेकंड जो ऑप्शन है HTML टैग, उसको क्लिक करके और यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद हमें लेफ़्ट साइड में जो सेटिंग्स है उसमें टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद हमें सेकंड नंबर पे ट्रैफिक वाले सेक्शन को क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे हमें गूगल, बिंग और पिंटरेस्ट की जो कॉल बॉक्स बने हुए हैं वो दिखाई देंगे। और यहाँ पे उस कोड को गूगल वाले कोड को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें सेव सेटिंग का बटन दिखाई देगा। उस बटन पे हमें क्लिक करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद वापस हमें सर्च कंसोल में जाना है, जहाँ से हमने कोड को कॉपी किया है उसी टैब में हमें वापस जाना है और वहाँ पे जाके हमें वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन चेकिंग होगी और जो ओनर वेरीफिकेशन है वो डन हो जाएगी और हमें गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हमें इस वेबसाइट का जो सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो में सर्च कंसोल है वो ऐड हो चुका है। अभी ये इसमें जो डाटा है वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वेबसाइट अभी इंडेक्स नहीं हुई है। तो इंडेक्स करने के लिए आपको जो ऊपर सर्च बार बना दिखाई दे रहा था वहाँ पे पोस्टों का जो URL है वो पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे पोस्ट है उसका URL हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे जो ऊपर सर्च बार बना हुआ है इस पर हमने वो पेस्ट करके एंटर कर दिया है। तो वहाँ एक प्रोसेस चल रही है इंडेक्सिंग की और उसके बाद हमें URL इन गूगल पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आएगा। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे हमने क्लिक कर देनी है और जो हमारा पोस्ट है वो इंडेक्सिंग के लिए गूगल के सर्वर पे चली जाएगी और विद इन थोड़े ही टाइम में, मे बी ये 5 मिनट 10 मिनट और 1 घंटे के अंदर जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगी और गूगल में दिखना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी जो पोस्ट है उसको भी यहाँ पे सबमिट कर देते हैं कि वो भी गूगल में इंडेक्स हो जाए। तो अभी हमने उस पोस्ट का भी जो URL है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और रिक्वेस्ट इंडेक्स पे क्लिक करके पोस्ट को भी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट हमने कर दी है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की जितने भी पेजेस हैं,
या ब्लॉग पोस्ट हैं उनको जल्दी से गूगल में इंडेक्स करवा सकते हो। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि पोस्ट जो हैं वो इंडेक्स हुई है नहीं हुई है। तो हमने गूगल को ओपन कर लेना और यहाँ पे जहाँ हम कीवर्ड सर्च करते हैं वहाँ पे हमें यूआरएल जो है, जैसे हम यहाँ पे होम पेज का जो यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यूआरएल पेस्ट किया है तो अभी होम पेज है वो इंडेक्स नहीं हुआ है क्योंकि उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो ब्लॉग पोस्ट है हमने सबमिट की है वो यहाँ पे इंडेक्स हो गई है। से आप देख सकते हो जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी पोस्टों को, वेब पेजों को जल्दी से इंडेक्स कर सकते हैं। और जो इसमें जो डाटा है वो 2 या 3 डेज़ के बाद यहाँ पे जो डाटा है वो शो होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और अब आप आसानी से अपने फ्री वाले ब्लॉग में भी वेबमास्टर को ऐड कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।